हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी अपडेटेड डमा प्लानिंग की रूटीन यानी कि फेशियल रेजियर रेजर से मैं कैसे अपने फेशियल हेयर हटाती हूं वो मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले तो बेसिक जो काम करना है वह अपना फेस को एकदम से क्लीन करना बिना क्लीनिंग के बिल्कुल भी आपको डमा प्लानिंग नहीं करनी है तो मैं यहाँ ये यह एक्मिनट फेस वॉश यूज़ कर रही करी क्योंकि मेरे एक्ने बहुत हो रहे हैं आ, तो गई रेज़र जो मैं यहाँ यूज़ करी वो ये वाला है तो गई मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मैंने पहले आपके साथ रेज़र शेयर किए हैं पिछली वीडियो में वो टिंकल के रेज़र थे जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइट रेज़र थे वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे तो पहले मैं इन्हें यूज़ करती थी अब ये जो मैं रेज़र यूज़ करती हूँ ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये थोड़े शार्प हैं ये टिंकल से थोड़े थोड़े नहीं काफ़ी शार्प हैं तो एक तरीके से ये आपकी डमा क्लिनिंग ही करेंगे तो सबसे पहले तो हम इनको सैनिटाइज कर लेते हैं अगर इस रेज़र को सैनिटाइज करना है क्योंकि अपने फेस पे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी स्किन की लेयर हटा रहे हैं तो आप उसको सैनिटाइज ज़रूर ज़रूर करें तो मैं यहाँ पर सेवेंटी परसेंट एल्कोहल से इसको सैनिटाइज़ कर रही हूँ हालाँकि मैंने इसको ऑलरेडी सैनिटाइज़ किया हुआ था तो गाइज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं आप नए तरीके से कैसे डम अपलैनिंग करती हूँ या फिर अपने हेयर जो फेशियल हेयर है कैसे साफ करती हूँ फेस के तो आ, ये ऐसे आप एलोवेरा जेल या कोई भी जेल बेस आप लीजिए ऑयल नहीं लेना है जेल बेस ही लेना है तो सबसे बेसिक जेल जो है वो है एलोवेरा जेल तो उसको अच्छे से अपने फेस पर लगा लीजिए मतलब अच्छी क्वान्टिटी में लगाना है फुल क्वान्टिटी में लगाना है ऐसा नहीं है कि आपको हल्का सा लगाना है ये मैंने अभी सिर्फ थोड़ा सा लगाया है अभी ме शुरू करूँगी फेशियल रेजर से अपने फेस को क्लीन करना अपने बालों को क्लीन करना तो तब मैं और ज़्यादा क्वान्टी में लगाऊंगी तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोजअप दिखाने वाली हूँ अपनी स्किन की आ, जी हाँ मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था बट आ, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को देखना चाहिए कि डम अप लेनिंग किस तरह से आपके फेस को क्लीन करती है आप बिल्कुल इसको पास से देखेंगे यस मेरे फ्लॉज आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे जो मेरे स्किन पर जो स्पॉट्स हैं जो कि वैसे वीडियो में नहीं दिखते हैं वो आपको क्लियरली दिखेंगे मेरे स्किन पे तो गए जैसे मैंने बहुत अच्छे से इसको लगा लिया है एलोवेरा जल का तो अब देखिए अब मैं बिल्कुल आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाती है डर्मा अपनिंग से होपफुली यू नो you know, मेरे कैमरा ने कुछ अच्छी एंगल्स कैच किए नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ ब्लर हो जाता है तो होपफुली यहाँ पे कुछ आप लोग को दिख रहा है अच्छे से तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्किन को क्लीन करती है तो जो ये जो स्किन की अपर लेयर है उसको डेड स्किन सेल जो है उसको भी हटाती है देखिए कितना गंक है एलोवेरा जेल एकदम ब्लैक हो गई है बालों से एंड डेड स्किन सेल से अभी मैं आपको कि कितना ज़्यादा गंक निकलता है आपकी स्किन से जो आपकी ऊपर की लेयर है तो ये देखिए गाइस कितनी काली है और इसमें गंद भर है सीरियसली अब अगर आप अपनी ऊपर की लेयर को स्क्रब ऑफ़ नहीं करते हैं स्किन की तो आप कितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए आपको वो फुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे देखिए गाइस इतनी गंदगी होती है स्किन पर तो अब आ, मैं आपको दूसरी साइड की दिखाती हूँ गाइस मैं चीन एरिया और फोरहेड एरिया अवॉइड करी हूं क्योंकि मेरे वहाँ पे एक्ने हो रखे हैं आ, क्योंकि मैं ई जी एफ सीरम यूज़ कर रही हूँ जैसी मैंने आपसे शेयर की थी वो ई जी एफ सीरम है तो उसकी वजह से मुझे स्किन बर्जिंग हो रही है आई गैस और मेरे एक्ने बाहर निकल रहे हैं तो ये देखिए दूसरी साइड भी थोड़ा क्लोजअप आपको दिखा रही हूँ तो गाइज़ प्लीज़ अवॉइड अगर आपके फेस पे एक्ने हैं तो बिल्कुल इसको नहीं करना है आपको अगर आपके मेरी तरह एक्ने हैं कुछ कुछ एरिया में तो वो एरिया छोड़ दीजिए वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं करना है ओके तो सेंसिटिव स्किन वाले वो टिंकल रेजर जो है उसी से करें अभी क्योंकि वो काफ़ी लाइट है ये जो रेजर्स है ये बहुत स्ट्रांग है ये वही यूज़ करें जो ऑलरेडी डमा प्लानिंग के यूज़ टू हैं जैसे मैं तो बहुत देर से इसको कर रही हूँ तो मुझे अब पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है और दोनों को यूज़ करने का ढंग अलग अलग है गाइज़ ये देखिए स्किन कितनी क्लीन हो जाती है तो ये जो तेज़ वाले जो रेजर्स हैं इनको आप हमेशा एलोवेरा जेल या किसी जेल बेस के साथ यूज़ कीजिए जो टिंकल के रेजर्स है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि उसको तो आपको कैसे फेस पे यूज़ करना है उसको यूज करते वक्त आपको कुछ भी नहीं लगाना है फेस पे तो ये देखिए गाइस क्लीन हो रहा है सारा अच्छे से मैं अपनी वो वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो से उन रेजर्स के साथ स्टार्ट कीजिए मैं उनका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर अगर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं डर्मा प्लानिंग अपने फेस पे तो आप ये वाले रेजर्स ले सकते हैं बहुत ईजिली तो गाइज़ आई एम ऑलमोस्ट डन क्योंकि मुझे आ, ये माथा नहीं करना है और चेनेरिया नहीं करना तो देखिए गाइज़ कितनी गंदगी निकलती है तो ये सब गंदगी है जो आपकी स्किन के ऊपर बैठी रहती है अभी मैंने बहुत सारा अच्छे से अपना फेस क्लीन किया है फिर भी ये इतनी गंदगी है इसकी वजह से जो है आपकी स्किन की जो जो आप सीरम्स यूज़ करते हो जो आप कुछ भी यूज़ करते हो अच्छे से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है जब ये स्किन पे लेयर रह जाती है एक गंदगी की या डेड स्किन सेल बोल लीजिए गंदगी इज़ नॉट तो ये देखिए मैं इसको फिर से अच्छे से सैनिटाइज करके इसको मैं रख दूँगी सूखने के लिए और फिर इसको मैं बंद करके ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी तो गाइज़ ये थे छोटा सा बहुत ही इजी सा सेशन तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आ जाता है स्किन में स्किन एकदम क्लीन और सॉफ्ट हो जाती है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे एक लाइक दे सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हुई तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए एज़ यूजल तो या डैट इट बस यही मुझे आपको अपडेटेड रूटीन बतानी थी क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे तो या गाइज स्किन की कंडीशन थोड़ी इस वक्त खराब चल रही है क्योंकि एक्ने हो रहे हैं ड्यू टू दैथ सिरम बट चलिए एनी वेज विल शेयर द रिजल्ट विद यू लव यू गाइज बाय